पुलिस तक जाने की जरूरत नहीं है सैंड्रॉस, पुलिस खुद तुम तक पहुंच गई है। गेम इज अप सैंड्रॉस, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते थे ना, तुम्हें क्या लगा कि पुलिस तुम तक पहुंचेगी नहीं? आहा, कोई चाला की नहीं सैंड्रॉस। हाथ ऊपर, वरना मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी, और तुम पर गोली चलाने में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम यहां जाओ मेरे पास, इस क्रिमिनल से दूर। कम या हाथ ऊपर, हाथ सर के ऊपर, हाथ सर के ऊपर ही रखेगा, क्योंकि तुम पर गोली चलाने पर मुझे बहुत अफसोस होगा। कम ऑन, मूव मूव, कम ऑन, मूव मूव मूव, वहां पे चलो, मूव वहां पे, कम ऑन चलो, कम ऑन मूव मूव, सिट डाउन, सेट, रस्सी देना। Man. किसी भी गलत काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। वेरी गुड, तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, डोंट मूव, डोंट मूव। बिल्कुल हिलना मत। कुछ भी गलती की तो पछताओगे सैंड्रॉस। मेरी बैकअप टीम मेरे पीछे आ रही है, वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पुलिस को होस्टेज बनाओगे? देखो संजू, तुम अपनी अकल अपने पास रखो, समझे? अब भी वक्त है सैंड्रॉस, सरेंडर कर दो। थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया सुपरिटेंडेंट, मैं तो परेशान हो गया था कि आप गई कहां। आपने कोई इंस्ट्रक्शंस भी तो नहीं छोड़ी। हेलो मैम, आप बोल क्यों नहीं रही? हेलो हेलो, कहां हैं आप? फोन काट दिया। सुपरिटेंडेंट शीना ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? तुम बच नहीं पाओगे सैंड्रॉस। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट सुपरिटेंडेंट शीना, चाल तो अच्छी थी लेकिन आप मात खा गई। आपकी बैकअप टीम को तो यह भी नहीं पता कि आप है कहां, और आप अपनी टीम की धमकी देकर मुझे डरा रही हैं। कमाल है। अगर उन्हें पता नहीं है तो पता चल जाएगा, और जब उन्हें पता चल जाएगा तब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं से कब से यही समझा रहा हूँ कि गलत रास्ते छोड़ के सही रास्ते पे आ जाओ। तुम चुप रहोगे? वो क्यों चुप रहे? उसे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। आप बिल्कुल सही कह रही है सैंड्रॉस, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, तुम सुपरिटेंडेंट शीना को छोड़ दो। कितना समझदार बच्चा है, तुम्हारी तरह नहीं है। मैं इसकी तरह बनना भी नहीं चाहूंगा। तुम दोनों चुप रहोगे कि नहीं? नहीं, नहीं। जब तक तुम सही रास्ते पे नहीं आ जाती मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बात करो। बताओ मुझे, इसने तुम्हें डराया, धमकाया या परेशान किया? सैंड्रॉस दिल का बहुत अच्छा है। क्रिमिनल है ये। देखिए, मजबूरी में इंसान से गलती हो जाती है, पर मैं उसको यही समझा रहा हूँ, जानबूझ के गलती करना अच्छी बात नहीं है। तुम कितने समझदार लड़के हो, तुम्हारे साथ रहकर इसने कुछ सीखा कि नहीं? नहीं, ये तो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है। बेचारा, अब जब जेल जाएगा ना तो फिर अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। नहीं प्लीज, तुम मुझे जेल में मत डालना। मैं तुम्हें जेल भेजने की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। अब मेरे पास दो हॉस्टेज,
मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ मुझे जेल कौन भेजता है। अगर अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आपको हम पर हम कौन मैं और सैंड्रोस पर दया आ जाएगी। हाँ तो बताओ मुझे तुम्हारी कहानी। तुम्हें कहानी किसी को नहीं बताओगे। बताऊंगा। मैं बोलता हूँ नहीं बताओगे तुम। बताऊंगा। नहीं बताओगे। बताऊंगा। अच्छा तुम्हारा इलाज है मेरे पास। अब तुम दोनों की जुगलबंदी खत्म हुई। तुम ऐसे ही किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन नहीं सकते सैंड्रोस। लेकिन मैंने छीन ली। अब इनमें और मुझ में से किसी एक को चुप तो रहना ही था तो मैंने इस मुसीबत को चुप कर दिया। अब आपने यहाँ खुद आने की तकलीफ कर ही ली है तो अब यहाँ से निकलने में आप मेरी मदद करेंगे। कभी नहीं। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन मैं कभी भी किसी भी क्रिमिनल का साथ नहीं दूंगी। तो आप यहाँ मेरी सिक्योरिटी कवर बनकर रहेंगे। जब तक मुझे पुलिस से खतरा है तो आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस की सुपरिंटेंडेंट को होस्टेज बना रहे हो सैंड्रोस। पूरे स्टेट की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। उसका मुझे कोई डर नहीं है। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा कोई यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है कि सुपरिंटेंडेंट शीना को सैंड्रोस के खिलाफ कोई क्लू मिला होगा और वो उसके पीछे गई होगी। लेकिन सैंड्रोस तो बहुत डेंजरस आदमी है। उसके पास खतरनाक हथियार भी हैं। कहीं हमारी सुपरिंटेंडेंट किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। ये सुपरिंटेंडेंट शीना जाने से पहले क्या कर रही होगी। ये क्या नंबर 54? ये कहाँ का नंबर है? नंबर 54 कहाँ का हो सकता है? हो ना हो शीना मैम को सैंड्रोस की हाइडिंग के बारे में कुछ पता चला होगा और वो उसे पकड़ने निकल गई। और ये नंबर 54 है क्या? इस शहर के जितनी भी दुकानों और घरों का नंबर 54 है सबकी नाकाबंदी कर दो। हमारी क्रैक टीम खुद आकर तलाशी करेगी। और अगर ये उन गोडाउन में से किसी एक का नंबर है तो? गोडाउन वो तो हमने सारे तलाश कर लिए थे। नहीं गोडाउन में कुछ नहीं हो सकता। फिर भी प्रिकॉशन के लिए वहां भी नाकाबंदी कर दो। आखिर में हमारी क्रैक टीम वहीं पर तलाशी करेगी। नाउ गो मूव। ध्यान रहे सैंड्रोस खतरनाक साबित भी हो सकता है। वो बच्चा भी उसी के पास है। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए कोई भी अटैक एक्शन लेने से पहले मेरी परमिशन जरूरी है। एक बात का और ध्यान रखो तुम सबका मिशन शीना का पता लगाना है। सैंड्रोस या उस बच्चे पे एक्शन लेना नहीं। डू यू गेट मी ऑल? यस सर। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी सर। और सुनो कोई भी प्रोग्रेस हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन देना समझे। हो ना हो शीना किसी प्रॉब्लम में तो जरूर फंस गई है। क्या करूं? मुझे चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े पर मैं तुम्हें बच के जाने नहीं दूंगी सैंड्रोस। सुन रहे हो ना तुम? Are you listening सैंड्रोस? Damn it! मुंह बंद करने के बाद भी चुप नहीं रहोगे तुम? Mm. 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 Mm.
क्या बात क्या है? भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। दोनों मुसीबतें। मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं, चाहिए? नहीं, नहीं। तो तुम दोनों के लिए 5-course मील लेकर आ जाओ। मुझे पिज्जा चाहिए। मुझे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज चाहिए, वो भी टमाटो केचप के साथ। और 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 दो मिल्कशेक। अच्छा बाबा, लेकर आता हूँ। लेकिन मुझसे एक वादा करो संजू, कि मेरे जाने के बाद तुम शीना को कुछ नहीं बताओगे हमारे बारे में, कुछ नहीं। प्रॉमिस। तुम्हें पता है संजू अपनी प्रॉमिस तोड़ता नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन कोई होशियारी नहीं। और दो ब्राउनीज भी आप प्लीज। कमाल के लड़के हो तुम। कौन हो? जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? पर क्या करें, हमें ऑर्डर्स तो मानने पड़ते हैं ना। इन बैरिकेड्स को कौन तोड़ेगा? चलो, सिक्योरिटी वाले आके संभाल लेंगे। चलो। हाँ सुनो, मैं बोल रहा हूँ, वो चूहा सैंड्रोस पुलिस से छिप कर कहां बैठा है ये पता लगाओ और मुझे बताओ। यस, इट्स अर्जेंट, अब यही बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? हाँ जल्दी। मैडी, सैंड्रोस को अपने कब्जे में लेने के बाद तेरा प्लान क्या है? क्यों, तुमने कोई प्लान बना रखा है क्या? नहीं नहीं, बताओ बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यूं ही सोच रहा था कि सैंड्रोस की आखिर खासियत क्या है। छोटी मोटी चोरियां तो वो अक्सर करता ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा उसने 1,000-2,000 रुपए चुराए थे, क्या वो हमारे जैसा बन पाएगा? नटी, तू भी नट्स है यार। ये 1-2,000 चोरी करने वाला आज 1 crore रुपए चुरा कर बैठा है। एंड ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब वो यहां से वापस नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, क्या तुमको पक्का लगता है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगा? हमारे साथ काम कर लेने के बाद, हमारे सारे अड्डे जान लेने के बाद, हमारे बिजनेस के राज जान लेने के बाद, अगर उसका दिल कहीं पलट गया तो? तू सही कह रहा है, कुछ सोचना पड़ेगा। What is the mystery of this number? Come on, Moria, think. Think, Moria. तुम्हारी सुपरिटेंडेंट गायब है और तुम? Yes? Sir, 54 वाले सारे गोडाउन की तलाशी ली गई है सर। कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं दिखी सर। सारे 54 नंबर की तलाशी ली? Yes, sir. सारे एड्रेस चेक कर लिए हैं सर। अब सिर्फ वो 54 का गोडाउन रहता है सर। अगर आपका ऑर्डर हो तो वहां भी चेक कर ले सर। यस, अगर कहीं कुछ नहीं मिला, वही बाकी बचा है तो वही सही। लेकिन मैंने सारे सर्वेलेंस कैमरा में देखा, वहां तो सब ठीक था। बट एज अ लास्ट रिसोर्ट वहां जाकर भी देखो, शायद कोई क्लू मिल जाए। और देखो, अगर कुछ पीसेस लगे तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो, मैं खुद आकर वहां एक्शन लूंगा। आई रिपीट, मैं खुद वहां आकर एक्शन लूंगा। ओके ओके सर। Following your orders, sir. Good luck and no tension, huh? Damn it! तुम बता दे क्यों नहीं?
कि तुम कौन हो। सही वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले मुझे आपको सैनरोस के कैद से छुड़ाना है। मुझे कैसे? और अगर वो सैनरोस आ गया तो? जानते हो कितना डेंजरस आदमी है वो। उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। मजबूरी? सैनरोस की क्या मजबूरी हो सकती है? एक नंबर का हार्डेंड क्रिमिनल है वो। पहले फौजरी की, फिर चोरी, और अब किडनैपिंग। वो इतना बुरा भी नहीं है। बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं कि वो कितना बुरा आदमी है। अगर वो बुरा होता तो क्या वो हमारे लिए पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, शेक और ब्राउनीज? हाँ, और ब्राउनीज लाने जाता? हाँ, ये बात ठीक कही तुमने। अगर वो बुरा आदमी होता तो हमारे लिए इतनी सारी चीजें नहीं लाता। फिर उसने ऐसा क्यों किया? अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करो, तुम मेरे इस पॉकेट से स्विस नाइफ निकालो। क्या? स्विस नाइफ? वो क्या होता है? वो हमें रस्सी काटने में मदद करेगा। निकालो तो। ओके। अभी मुझे दो। अब मेरी रस्सी काटो। ओके। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो। तो पुलिस का खतर टला नहीं। थैंक गॉड अभी तक सिक्योरिटी टीम नहीं पहुंची। ये शीना मेरे बहुत काम आएगी। से निकलिए। अब जब वो स्टूपिड सैनरोस यहाँ पर आएगा और देखेगा कि हम यहाँ से गायब है तो कितना मजा आएगा ना। मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं यही रहूंगा। क्या? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ूंगी उस क्रिमिनल के पास? कभी नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, मूव। मुझे प्रॉमिस करने के बाद भी संजू ने मुझे डबल पास किया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।